हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज है संडे और अभी बजे हैं 12। मैंने घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है और खाना भी बना लिया है, क्योंकि हम आज जाने वाले हैं मार्केट, तो मैंने खाना बना लिया है। हम खाना खा के ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लेट हो जाएगा। ये दोनों नहा धो के रेडी हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने छत पे। आज एक दो दिन के बाद काफ़ी अच्छी धूप निकली है। कपड़े सुखा लिए हैं और अब हम जाएंगे नीचे। मैंने नहा लिया है और जो बाकी के काम थे वो भी मैंने सारे निपटा लिए हैं और अब मुझे जाना है मार्केट। उसके लिए मैंने देखे ड्रेस निकाली है और उस पर करनी है अभी प्रेस, तो मैं जल्दी से इस पर प्रेस कर लेती हूँ। मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये अभी बिजी हैं तो मैं जो है अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रही हूँ। जब ये अपने कपड़े प्रेस करते हैं तो मैं भी अपने जो कपड़े हैं दे देती हूँ, तो यही मेरे कपड़े प्रेस करते हैं। और साहिल हो रहा है रेडी ट्यूशन जाने के लिए और हम दोनों जाएंगे मार्केट। कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं तो मैं जल्दी से पहले रेडी हो जाती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैंने ये सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि अब ठंड बढ़ने लग गई है, तो मैंने सोचा आज मैं गर्म सूट पहनती हूँ, तो मैं जल्दी से निकलती हूँ। ये वेट कर रहे हैं नीचे मेरा। हम लोग घर से निकल चुके हैं और आज मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि आज संडे है, आज जाते हैं क्योंकि आज ये फ्री रहते हैं, क्योंकि और दिन ड्यूटी रहती है तो इनको टाइम नहीं मिलता है, संडे को मिलता है, तो हम लोग अपना काम करके आ जाते हैं जल्दी से। तो मिलते हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। यहाँ पे साहिल के पापा बैग की चेन ठीक करवा रहे हैं। ख़राब थी बैग की चेन तो हमने सोचा इसको भी ठीक करवा लेते हैं, और साथ में ही साहिल की एक हुड थी जो ख़राब थी उसकी चेन, तो हमने सोचा इसको भी ठीक करवा लेते हैं साथ में ही। साहिल ने अपनी घड़ी का लॉक तोड़ा हुआ था तो हमने यहाँ पे उसका लॉक ठीक करवाया, और साथ में ही मैंने एक बेडरूम के लिए घड़ी खरीदनी थी तो यहीं पे से मैंने एक अपने लिए घड़ी भी खरीद ली। फिर हमने अपने बेडरूम के लिए घड़ी देखना स्टार्ट किया। भैया ने काफ़ी घड़ी दिखाई बट हम दोनों को दो घड़ी पसंद आई, एक ब्लैक और एक रेड। रेड मेरे को पसंद आई और ब्लैक इनको, तो हम दोनों कंफ्यूज थे कि हमने कौन सी घड़ी ख़रीदनी है। फाइनली फिर जो मैंने रेड कलर की घड़ी है उसको ख़रीद लिया। हम लोगों को ज़्यादा महंगी घड़ी नहीं ख़रीदनी थी क्योंकि हम लोग इतनी बार रूम शिफ्ट करते हैं कि बहुत टूट फूट होती है। बैग की चेन ख़राब थी तो हमने वहाँ पे ठीक करवा ली है और अब हम जाएंगे आगे को। दूसरी मार्केट है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो हम अभी रास्ते में ही हैं, अभी थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। और अब हम लोगों को जाना है मोबाइल शॉप पे, थोड़ा सा यहाँ से आगे है तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। और अब हम पहुँच गए हैं मोबाइल शॉप पे और जिस काम के लिए हम आए हैं पहले वो कर लेते हैं। और ये रही मोबाइल शॉप, वहाँ पे हमारा काम हो गया है। वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था
तो मैंने इनको बोला कि थोड़ी देर हम मार्केट चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी कुछ अच्छा लगेगा तो लेके जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर चाय के कप और मग्गे आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कुछ पसंद आए तो। चाय के कप के जो सेट हैं वो मेरे पास काफ़ी रखे हैं, मैंने फिर यहाँ पे से देखती हूँ कुछ मग्गे पसंद आ गए तो। यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में मग्गे और जो हैं चाय के कप रखे थे, रेट पूछा तो हम लोगों ने 120 रुपये का ये सेट दे रहे थे और मग्गे जो हैं 20 रुपये 25 रुपये ऐसे दे रहे थे, तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे दिखने में और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी प्राइस के हिसाब से। मुझे यहाँ से और भी चीज़ें ख़रीदनी थी, एक स्टॉल मैंने ख़रीद लिया है बट काफ़ी भीड़ है तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इतनी भीड़ में सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम सुबह आएंगे, सुबह कम भीड़ रहती है तो अंधेरा भी हो रहा है, भूख भी लग रही है, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं सबसे पहले फिर निकलते हैं घर को। स्कूटी में भी तेल ख़त्म हो गया था तो इन्होंने बोला कि चलो मैं यहीं से ही स्कूटी में तेल भी भरवा लेता हूँ। अब हम लोगों को लग गई है भूख तो, और हम आ गए हैं यहाँ पे चाट खाने के लिए और दही पूरी, तो देखते हैं यहाँ पे कि दही पूरी और चाट कैसी है। ये आ गई हमारी दही पूरी और साहिल के पापा खाने लग गए हैं। मेरे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई दही पूरी और चाट दोनों ही, क्योंकि काफ़ी मात्रा में इन लोगों ने जो दही है उसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा की थी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सारी की सारी दही पूरी और चाट दोनों ही नहीं साहिल के पापा ने खाई। हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। साहिल भी घर पे अकेला है क्योंकि वो ग्राउंड गया था खेलने के लिए, ग्राउंड से आ गया होगा, तो हम लोग भी जल्दी से घर पे पहुंचते हैं और उसके बाद हमने जाना है मूवी देखने। हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। इन दोनों ने मूवी पहले देख ली है और मैंने नहीं देखी है क्योंकि बीच में क्या था यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे तो ऑडिटोरियम बंद था, तो अभी फिर से दोबारा से मूवी लगी है, ब्रह्मास्त्र मूवी लगी है तो मैं वही देखने जा रही हूँ। इन दोनों का मन नहीं है बट मैं इन दोनों को ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ कि मेरे साथ चलो करके, तो हम निकलते हैं मूवी देखने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है 6:30 हो गया है, 6:30 से ही लगनी थी बट पास में ही है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, हम स्कूटी से जा रहे हैं तो हम जल्दी से निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं बट थोड़ा लेट हो गया है, मूवी स्टार्ट हो गई है और बस हम भी पहुँच ही गए हैं। इंटरवल हो गया है और अब साहिल को खाने हैं यहाँ पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, तो वहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं चिप्स लेके आ गई हूँ, अब बोल रहा है कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है बट यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। जैसे तैसे मैंने बड़े मुश्किल से कोल्ड ड्रिंक ले ली है साहिल के लिए और वो हो गया है खुश और इंटरवल हो गया है अब ख़त्म, अब हम जाएंगे अंदर।
देखिए सारे बच्चे अंदर बैठ के आराम से चिप्स पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक जो भी लाया देखिए सारे मज़े लेके खा रहे हैं यहाँ पे और इन्जॉय कर रहे हैं मूवी को। साहिल के पापा लाए हैं यहाँ पे समोसे। साहिल को मोमो खाने थे बट आज मोमो वाली शॉप बंद है तो वो उसके लिए समोसे लेके आए जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे थे। आज का दिन ही ख़राब है क्योंकि हमने दही पूरी खाई वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और जो समोसे लाए थे ये वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मूवी ख़त्म हो गई है हम घर जा रहे हैं और रास्ते में काफ़ी ठंड पड़ रही है। आप तो सब हॉल ही जाते वो ही हार हॉल लेके आते हम लोग मूवी देख के 9:45 बजे घर पे पहुंच गए थे। 9:30 बजे मूवी ख़त्म हो गई थी और मैं पनीर की जो सब्ज़ी थी वो बाहर से ही पैक करवा के लाई थी और मैंने जल्दी से रोटी बनाई और साहिल और इसके पापा दोनों सो गए हैं क्योंकि दोनों को सुबह जल्दी जाना होता है। साहिल स्कूल जाएगा और वो ड्यूटी जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं जो आज शॉपिंग की है वो आप लोगों को साथ शेयर करूँ कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की। ज़्यादा नहीं की है थोड़ा बहुत की है तो मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए सबसे क्योंकि ना शाम के टाइम पे इतना भीड़ रहती है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज से मैं जब भी मेरे को शॉपिंग करनी होगी तो मैं सुबह मतलब अपना काम ख़त्म करके संडे को या जब भी इनको टाइम होगा तो शॉपिंग करने चली जाऊँगी। शाम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या लेना है मेरे को क्या नहीं। तो मैंने सबसे पहले देखे ये हेयर पिन लिए दो। वहाँ पे ना काफ़ी वैरायटी के थे बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ये दोनों अच्छे लगे तो मैं यही लेके आ गई। और जूड़ा पिन लेके आई हूँ देखिए जो फ्लावर वाले होते हैं वाइट कलर मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो मैंने वाइट कलर के लिए हैं। पहले भी है मेरे पास एक ब्राउन कलर में और रेड कलर है शायद मेरे पास तो मैंने वाइट कलर लेना था तो मैं दो लेके आई हूँ। और वहाँ पे से मैंने दो मग नहीं सॉरी तीन मग्गे लिए हैं। ब्लैक कलर के लेके आई हूँ वैसे मेरे पास वाइट कलर के हैं पहले से ही मेरे को ये अच्छे लगे वहाँ पे तो मैं ये वाले लेके आई तीन। एक साहिल के लिए और एक उसके पापा के लिए और एक मेरे लिए तीनों के लिए एक एक। काफ़ी अच्छे लगे थे मेरे को तो मैं ये लेके आ गई। और मैंने ली है एक घड़ी। क्या है ना मेरे जो बेडरूम में है घड़ी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट रूम में ही घड़ी थी तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी टाइम देखने में। वैसे तो फ़ोन रहते हैं फिर भी ना जैसे सुबह उठो तो एकदम से घड़ी देखने को नहीं मिलती है। फर्स्ट रूम में आओ तब घड़ी देखनी पड़ती है तो इसीलिए मैंने एक घड़ी खरीदी है बट इन दोनों को ये पसंद नहीं आई है क्योंकि इस पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। जैसे ये 9 है यहाँ पे 10 है फिर 11 देखो साइड में लिखा हुआ है फिर ये 12 है फिर 1 देखो ये साइड में लिखा हुआ है तो इस तरीके से है ये। तो साहिल काफ़ी कंफ्यूज है कि मैं इसमें कैसे घड़ी देखूँगा बट मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैं इसको लेके आई। और एक मैं लाई हूँ स्टॉल मैरून कलर का देखिए इस पे ये गोल्डन कलर से ये देखिए बॉर्डर है और पूरा ही प्लेन है कोई वर्क नहीं है इस पे। ये कलर मेरे को काफ़ी पसंद आया था तो मैं इसको लेके आई। वैसे तो मेरे पास काफ़ी स्टॉल हैं बट ये साड़ी वाड़ियों में पहनने के लिए मुझे लगा अच्छा लगेगा तो इसीलिए मैं इसको लेके आई। सबसे स्पेशल और जो मेरे लिए आज का दिन है मैं कभी नहीं भूलूँगी
क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लिया है। मैंने उनको बोला था कि आप ही मेरे को मतलब सभी के सामने दो, बट वो थोड़ा कैमरे पे आने पे उनको थोड़ा सा शर्म आती है। अब बारी है जो सरप्राइज़ था आज का उसको दिखाने की। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए आईफोन 13 जो इन्होंने मेरे को गिफ्ट किया है। और मतलब कि क्या बोलूँ आप लोगों को, इन्होंने ना मेरा हर छोटे से छोटी बड़े से बड़ी चीज़ का मतलब ध्यान रखा है। इसलिए नहीं कि इन्होंने आज मेरे को आईफोन दिया है, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, 15 साल हो गए मेरी शादी को और 15 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने कोई चीज़ मांगी हो, जैसे वो साड़ी हो या कपड़े, मतलब कोई भी चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर मैंने बोला कि 10,000 की साड़ियाँ लेनी है तो कभी ये मना नहीं करते कि नहीं इतना महंगा है क्यों लेना है, बोलते हैं तो अपना जो भी शौक है सारा पूरा कर। ख़ास तौर पर मतलब आदमी लोग काफ़ी कम होते हैं ऐसे कि जो अपने से ज़्यादा बीवी का वो सोचते हैं, नहीं तो वो सोचते कि मैं अपने लिए लूँ या अपने लिए करूँ। अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं, हम लोगों के लिए खरीदते हैं। साहिल और मेरा मतलब हर चीज़ का इन्होंने मतलब ध्यान रखा हुआ है, तो इसीलिए भगवान को जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम है कि इतना ख्याल रखने वाला हस्बैंड मेरे को मिला है। तो मैं दिखाती हूँ अब आप लोगों को कि मैंने किस कलर का लिया है। तो देखिए मेरे को कौन सा कलर पसंद आया, रेड कलर। रेड कलर मेरे को बहुत ही पसंद है। तो देखिए, और इसके साथ यहाँ पे ये शायद पिन है इसकी, पिन ही है यहाँ पे साइड पे, और ये इसका चार्जर, और इसके चार्जर है इसका, इसके बिल, और साथ में मैं इसका कवर भी लेके आई वहीं पे से। तो ये है मेरा आईफोन 13, विश्वास नहीं हो रहा है ले लिया है। अब हो गया है काफ़ी लेट और मैं जा रही हूँ सोने। और आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।